गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। इस वक्त अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है तो वो है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस्तीफा देना। जी हाँ, शनिवार को जब यह खबर मिली कि गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो हर कोई हैरान था। बीजेपी में यूं समझा जाए कि इस्तीफे की झड़ियां लग रही हो। हालांकि इस बदलाव के पीछे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को बड़ा कारण बताया जा रहा है। या ये भी समझा जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या बीजेपी पहले से ही तैयारियां कर रही है? क्या बीजेपी चाहती है कि साफ छवि के राजनेता के चेहरे से जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए? इस्तीफे के बाद रविवार को अहमदाबाद में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक दोपहर 3 बजे बुलाई गई है, जिसमें सीएम का नाम तय होगा। इससे पहले पर्यवेक्षक के तौर पर अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल के घर पहुंचकर चर्चा की है। लेकिन अब सबकी नजर टिकी है कि अब गुजरात का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और सीएम के रेस में दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा भाई पटेल, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आगे बताए जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल के नाम की भी चर्चाएं हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला भी लिया जा सकता है। हालांकि डिप्टी सीएम के लिए किस किस के नाम की चर्चा है ये साफ नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक विजय रूपाणी गुजरात के लिए कभी भी स्थायी मुख्यमंत्री थे ही नहीं। उनका जाना तो तय था लेकिन बस तारीख का तय नहीं था। अब तक बीजेपी में 5 मुख्यमंत्रियों को बदला गया है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल सबसे कम रहा। वे 3 महीने भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहे, जिससे ये समझा जा सकता है कि बीजेपी जनता के बीच साफ सुथरी छवि रखना चाहती है ताकि आने वाले वक्त में बीजेपी चुनाव में अपनी जीत हासिल कर सके। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि गुजरात के अगले सीएम कौन होंगे जो वहां की जनता के दिल में राज कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।